और इंदौर स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया शुक्रवार को ग्वालियर से इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा कर 25 चिन्हित प्रकरणों के समय सीमा में निपटारे के निर्णय के चलते वकीलों पक्षकारों की आ रही समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। इस निर्णय के विरोध में 23 से 25 मार्च तक वकील न्यायालयीन कार्य से वितरित हैं। बार और बेंच के बीच अभी तक इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन सकी है और विरोध के स्वर मुखरित हो रहे हैं। भदौरिया ने कहा कि इंसाफ को समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए। बार और बेंच के बीच में बैठेंगे, हमारी कठिनाई को वो समझेंगे, उनकी कठिनाई को हम समझेंगे, तब निराकरण होगा। सर अभी भी हमने आग्रह किया है, हमारी समस्याओं को से उनको अवगत कराया है, वो शहर से हमको आश्वस्त करेंगे, हमको बुलाएंगे, हम तैयार हैं। आगामी रणनीति क्या होगी अगर नहीं मानते हैं? 26 तारीख को तय करेंगे। प्रदेश की 3 मुख्य पीठें हैं, कल मैं ग्वालियर में था और इसलिए आज मैं इंदौर में आया हूं और कल मैं जबलपुर में जाऊंगा। सभी अभिभाषक साथियों द्वारा जो अपने संगठन को मजबूत करते हुए एकता का परिचय दिया है और कार्य से व्रत रहे हैं, उनको सबको साधुवाद देने और आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उन सभी स्तंभों ने चौथे स्तंभ ने अपने पूर्ण रूप निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारी आवाज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर और प्रेस के आधार पर आपने हमारी आवाज को जनमानस तक पहुंचाया, इसके लिए उन सभी को आप सबको धन्यवाद देने के लिए मैं इंदौर में आया। वो साल भर का ही उन्होंने समय दिया, साल भर में 100 केस का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 महीने हो या 3 महीने, समय सीमा में कोई मुकदमे को बांधा नहीं जा सकता, यही हमारी मांग। आपका नाम? सुनील गुप्ता। मैं पूर्व में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य रहा हूँ और अभी स्टेट बार मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य।